सीतापुर के सदरपुर थाना क्षेत्र में बीती रात को एक अधेड़ का शव पेड़ के रस्सी के सहारे लटकता मिला, जिसे देखकर गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को पेड़ से उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। नाला पर मछली बचा रहे थे, उसी अटान के ऊंचे पेड़ में लाश टंगी है, रस्सी के द्वारा बंधी हुई। पेड़ कहे का है? पेड़ नीम का है और दूसरा पेड़ बरगद का है। उन्हीं पेड़ों के संबंध में यहाँ रस्सी बांध के यहाँ टांगा गवारा या टांगे अपने आप काब हुआ है। जो लड़का के अंदर सोए रहा रहा वो तो सोता ही रहा, जब वो सुबह जगा 5 बजे तो वो फोन लगे कि देखो यहाँ पर नहीं है, तब यहाँ से हम सब जाए गए हैं और कामों के चेक करें। किसी पे आरोप लगा रहे हैं क्या? आरोप लगाने कारण का बताए, जिनका तालाब बचाओ गुड्डू गुप्ता, उनके पिता का नाम सुंदरलाल, ये लोग मिलते हैं उनके हमराह में है और यहाँ ड्यूटी कर रहा है, 5000 रुपया दे रहा है। लड़का कौन सा रुकता था वहाँ? लड़का रुकता था, उसका नाम है रवि नाम है। पिताजी के पिताजी का क्या नाम है? रवि के पिताजी का गंगाराम नाम। गंगाराम। तो लड़के ने क्या बताया? लड़के ने फोन लगाया कि आओ देखो ये है नहीं, पते देखा तो उसे छोटा, उसकी उम्र 16 साल रात रहा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMDNewsFlash।